तो आज की वीडियो में नो रोस्ट नो व्लॉग। आज हमारे पास एक नया कंटेंट है, इट्स स्टोरी टाइम। चुप, बिल्कुल चुप। तो 2019 में हम एक फैमिली ट्रिप पे गए थे। तो फर्स्ट डे पे हम घूमे आगरा फोर्ट और ताजमहल, और सेकेंड डे पे हम घूमे कुतुब मीनार और इंडिया गेट। तो थर्ड डे पे हम आए गोल्डन टेंपल और मथुरा टेंपल में। तो फोर्थ डे जो है हमने प्लान किया था जालियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर। तो जालियांवाला बाग पे आने पे हमें पता चला कि जालियांवाला बाग जल्दी बंद हो जाता है। तो जल्दी से हमने जालियांवाला बाग अच्छे से देख लिया और घूम लिया। तो अभी हमारा पार्ट है वाघा बॉर्डर जाना, और वाघा बॉर्डर के परेड के लिए सिर्फ बचा होता है 1 घंटा। तो जालियांवाला बाग के आसपास कोई भी नेटवर्क नहीं चल रहा था, और उसके वजह से इंटरनेट भी नहीं चल रहा था ताकि हम कैब बुला सके। और तब भी एक बंदा चिल्लाता हमारे पास आता है, टैक्सी टैक्सी। तो उस बंदे को हम नाम देंगे विनोद। तो विनोद हमें उसके टैक्सी के पास ले जा रहा था। तब मेरे पापा ने उसे पूछा कि बैटरी वाली नहीं है ना, पेट्रोल वाली है ना, तो वो वाला डीजल वाली है। तो पापा ने सोचा हाँ कुछ तो अच्छी टैक्सी वगैरह होगी। तो हम जा ही रहे थे, उसके बाद हम वहाँ पे पहुँच गए थे। और देखते हो तो क्या, वहाँ पे एक रिक्शा खड़ी होती है, और वो विनोद बोलता है कि ये ही हमारी टैक्सी। तो हमने सोचा कि कहाँ अभी कैब वगैरह ढूँढेंगे, तो चलो इससे ही चलते हैं। तो हम हमारे रिक्शा वाले का नाम देते हैं चोमू। तो फाइनली हम जल्दी से रिक्शा में बैठ गए और रिक्शा स्टार्ट हो गई। तो 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमारी बीच में रिक्शा बंद पड़ जाती है। तो चोमू जल्दी से रिक्शा के बाहर आता है और देखता है, कुछ तो करता है, और पीछे कुछ तो खींचता है और रिक्शा स्टार्ट करता है। तो उसके बाद फिर से हम 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद सेम प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होता ही रहा, और 2 किलोमीटर के बाद हमारी गाड़ी बंद पड़ती रही। तो उसके बाद हमने टोटली 6 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। तो अभी चोमू हमें ले जाता है पेट्रोल भरवाने। तो विनोद के साथ हमने जो है वो बोला था, डिस्कशन हुआ था कि 600 रुपये बिल हो जाएगा और 400 रुपये एडवांस भरना पड़ेगा। तो चोमू और विनोद तो अच्छे से सोच गए थे इनके साथ कुछ तो स्कैम करना है। तो चोमू हमें पेट्रोल भरने ले जाता है, तब हमें वो बोलता है कि 200 रुपये आप भर दो, मतलब आपके 600 रुपये कंप्लीट हो गए। तो हमने कुछ सोचा नहीं था कि इनका कुछ होगा प्लान वगैरह स्कैम करने का, तो हमने भी जल्दी से भर दिया। तो हमने और हमारी रिक्शा बीच बीच में पड़ती रही, तो हमें बचे थे सिर्फ 20 किलोमीटर। सिर्फ नहीं, बहुत, मतलब हमें बहुत नहीं है 20 किलोमीटर, पर हमारे पास टाइम था सिर्फ 30 मिनट, और 30 मिनट में 20 किलोमीटर। तो हमारी रिक्शा जो थी बीच बीच में 2 किलोमीटर के बाद बंद पड़ती थी, वो चोमू निकल आता था और हाँ वो और कुछ तो खींचता था और रिक्शा शुरू करता था। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि इस रिक्शा से उतर जाएंगे और जल्दी से दूसरे रिक्शा से जाएंगे। तो दूसरे रिक्शा से जाते तो वो दूसरा रिक्शा वाला भी स्कैमर होता है। तो हम उससे बोलते हैं कि हमें यहाँ पे ले जाओ जहाँ नेटवर्क हो, तो वो ले जाता है। तो 1 किलोमीटर का वो सिर्फ लेता है हमारा, सिर्फ नहीं भाई, 100 रुपये 1 किलोमीटर का। सोचो कितना बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ। तो हमने पूछा तो नहीं था, तो हम बोल भी नहीं सकते कि क्या कितना रुपए हो गया। तो हम जल्दी से जाते हैं और नेटवर्क ढूंढ के बाद हम ये अपना कैब बुला लेते हैं। और हमारे पास अब बचे होते हैं सिर्फ 10 मिनट, और हमारे पास है, हमें ट्रैवल करना है और 20 किलोमीटर। तो हम जल्दी से आते हैं और बैठ जाते हैं कैब में। तो कैब में सरदार जी होते हैं, तो सरदार जी ने जल्दी से गाड़ी जोर से लेके हमें वाघा बॉर्डर तक पहुंचा दिया, और हम फाइनली अच्छे से वाघा बॉर्डर में एंजॉय कर सके थे। मेरी आपसे एक ही राय है कि मेरे हमारी जैसी आप गलती मत करिएगा, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा स्कैम हो सकता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे ये कॉमेंट में लिख दीजिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो त्रुतन देर वाली होने वाली है, तो जल्दी से कॉमेंट में त्रुतन देर दीजिए।